फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अभी मैं हूं अपने गुप्त काशी वाले होटल में। ये मैंने मार्केटिंग पे लिया है, 24 कमरों का होटल है। और गुप्त काशी वो जगह है जहां से केदारनाथ जी जाते हैं। केदारनाथ जी यहां से केवल 55 किलोमीटर, जिसमें से 15 किलोमीटर पैदल जाना होता है, यानी बाई रोड मोटरेबल रोड आप 40 किलोमीटर जा सकते हैं। और जो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है गुप्त काशी में से करके, यहां से 20 किलोमीटर आगे जगह है सोनप्रयाग, वहां पे आपको अपना आईडी कार्ड वगैरह रजिस्टर कराना होता है, फिर आप केदारनाथ जा सकते हैं। जो हमारा होटल है इसमें 10 कमरे हैं 4 बेड वाले और 14 कमरे हैं 2 बेड वाले। तो मैं आपको 4 बेड वाला कमरा दिखाता हूँ। ये देखिए, 4 बेड वाला रूम है। एक डबल बेड ये पड़ा हुआ है, बीच में इतना स्पेस है, साइड टेबल रखी हुई है, और एक डबल बेड ये है। वाइट पेंट है दीवारों में, बेसिक सा रूम है। एक मिरर लगा हुआ है, फैन, सामने वरांडा है। रोड के एकदम किनारे ही है होटल। ऊपर एक रोशनदान, एक विंडो है। इस तरह से 2 चेयर है, इतना वॉकिंग स्पेस है। सामने वॉशरूम है, ये वॉशरूम है अटैच WC, इतना स्पेस है नहाने के लिए। और ये वॉश मशीन लगा है, गीजर लगा हुआ है, और ये टेलीफोन शावर भी लगा हुआ है इसमें। ये टेलीफोन शावर है, गर्म पानी ठंडे पानी के लिए 2 नल है। इस तरह से एंट्रेंस है, ये ऊपर के फ्लोर में जाने का रास्ता, इस तरह से नीचे जाने का रास्ता है। 4 फ्लोर्स में होटल बना हुआ है और टोटल 24 कमरे हैं। इस तरह से गैलरी है। ये रूम में जाली लगी हुई है दरवाजे, मच्छर के लिए। जो होटल से व्यू आता है, ये देखिए, बहुत ही शानदार पहाड़ों का व्यू आता है दूर दूर तक का। ये गुप्त काशी शहर, नीचे इस तरह से व्यू है। बेडरूम है, एक डबल बेड लगा हुआ है, इतना वॉकिंग स्पेस है। यहाँ चेयर होती है, इधर भी सामान वगैरह रखने के लिए जगह है, एक टेबल। ये सामने विंडो है और इस तरह से दरवाजा है जाली। इसके साथ में ही ये अटैच वॉशरूम है, WC, और इतना स्पेस है नहाने के लिए। गीजर लगा हुआ है, मिरर और वॉश मशीन। ये मेन एंट्रेंस है, ऊपर जाने का भी रास्ता है। और जो ग्राउंड फ्लोर है, इसके नीचे भी फ्लोर है होटल में जहाँ बने हुए रूम, और ये ग्राउंड फ्लोर से ऐसा व्यू आता है। व्यू हर फ्लोर से एक जैसा ही है ऑलमोस्ट, और वो दूर दूर तक पहाड़ों का व्यू। नीट एंड क्लीन होटल है। इस तरह से होटल का व्यू है ऊपर से नीचे, और नीचे के फ्लोर में भी, इसके नीचे बेसमेंट वाला जो है उसमें भी रूम्स बने हुए हैं। ये हमारा डबल बेडरूम है यहीं गुप्त काशी में। ये दूसरा विंग है, इसमें 2 साइड की विंडो है, टेबल, ये यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है। ये थोड़ा स्पेशियस रूम है, नीचे एक कारपेट है। ये आप देख रहे हैं डबल बेड, इतना स्पेस है, जरूरत पड़ने पे एक्स्ट्रा मैट्रेस भी डल सकता है। ये गीजर वॉशरूम में, ये WC है, इतना स्पेस है नहाने के लिए। और ये है वॉश मशीन। ये ट्रिपल बेड रूम है, इसमें एक बेड ये पड़ा हुआ है, नीचे कारपेट, इतना बीच में स्पेस है। ये ड्रेसिंग टेबल है, और एक डबल बेड ये है। ये दरवाजा है, एक ये विंडो, ये अटैच वॉशरूम है, गीजर है, ये WC है, इतना नहाने का स्पेस है, और ये वॉश मशीन। ये 4 बेड वाला रूम है। अभी रूम में बेडशीट वगैरह बिछी नहीं है, तैयार नहीं है, लेकिन आप साइज देख सकते हैं। 2 बेड वहाँ हैं, 2 ये, 4 बेड। यहाँ सोफे लगे हुए हैं। इस साइड ड्रेसिंग टेबल है, इतना वॉकिंग स्पेस है। सामने वॉशरूम है। 4 बेड वाले में ये गीजर लगा हुआ है, इसमें इंडियन स्टाइल शीट है, ये वॉश मशीन है, ये मिरर लगा हुआ है। ये रेस्टोरेंट एरिया है, यहाँ खाना पीना हो जाता है, किचन नीचे है, और ऐसा व्यू आता है होटल की बालकनी से। काफी नीट एंड क्लीन ओपन रूम है। विंग 3 है, लग्जरी है। ये इसका वॉशरूम है काफी बड़ा। ये WC है, ये गीजर। रूम बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छा व्यू है। एक्चुअली काम बिल्कुल नया बना है, तो अभी रेडी हो रहा है। अभी 7 दिन और लग जाएंगे रेडी होने में। तो ये डबल बेड है, वहाँ सोफा है, सामने विंडो, ये व्यू। इस तरह से ड्रेसिंग एरिया है, ये TV की जगह है, और ये कैबिनेट है। इस तरह से लग्जरी यूनिट है ये विंग 3।
31 रूम्स हैं। सामने का व्यू देखेंगे तो आप ऐसा आता है, वो सामने ग्लेशियर्स दिख रहे हैं टॉप पे, ये पहाड़, नीचे का व्यू ऐसा है। और ये रेस्टोरेंट एरिया है, यहाँ बैठ के खाना वगैरह खा सकते हैं और काफ़ी लग्जरी फिटिंग्स हैं इसकी। विंग 3 में पार्किंग है अपनी, 7-8 गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हो जाती हैं, अलग से स्पेस बना। ये रोड है और रोड से ऐसे जाते हैं, ये होटल बना हुआ है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन हमारे चयन होटल गुप्त काशी के बारे में। बुकिंग डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।